बाड़मेर शहर के रेलवे कुआं नंबर 3 के पास स्थित एक कॉटन वेस्ट मिल के गोदाम में शनिवार दोपहर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के कारण दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस और अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाड़मेर शहर के रेलवे कुआं नंबर 3 के पास हिंगलाज माता मंदिर के पीछे शनिवार दोपहर में वेस्ट कॉटन मिल के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दो फायर ब्रिगेड व आसपास के लोगों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक का कहना है कि अभी सीजन का समय था, आग लगने से लाखों रुपए की रुई व सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगी थी। पुलिस के अनुसार दोपहर के समय में हिंगलाज माता मंदिर के पास नौसाद भाई कॉटन वेस्ट रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही गोदाम व दुकान में बैठे लोग बाहर निकल गए और गोदाम व दुकान में रखे रजाई व बिस्तरों को गोदाम से बाहर निकाल रोड पर डाल दिया। इसके साथ ही लोगों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा और नगर परिषद की एक एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन रुई व कपड़ा होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। दमकलों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक नौसाद के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने से गोदाम में आग लगी। गोदाम में रुई से बिस्तर तैयार किए जाते हैं। अभी सीजन का समय है, काफी संख्या में बिस्तर व रुई थी। करीब 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 6-7 लाख का माल जल गया और 1 लाख का फर्नीचर व मशीन भी जल गई। तो आग कितने बजे लगी लगभग? आग कम से कम हो गया घंटा, 1.5 घंटा हो गया है। होने वाले सब इकट्ठा होके आग को काबू पाया। कितना नुकसान कितना हुआ लगभग? 7-8 लाख का नुकसान हो चुका है। 6-7 लाख का माल जल गया। लाख डेढ़ लाख की मरम्मत टूट गई सारी जमीन। रेलवे कुआ नंबर 3 हिंगलाज मंदिर के पास में नौसाद भाई कॉटन वेस्ट मिल है, जो रुई का काम, रजाई पथरने और तकिए भरने का काम है, उसमें अचानक आग लग गई है। मौके पर जिस पर मौके पहुंचे वहां पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। रेलवे कुआं नंबर 3 हिंगलाज माता मंदिर के पास वेस्ट कॉटन मिल के गोदाम में शनिवार को आग लगने के बाद आसपास के क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बन गया। गोदाम में रुई और कपड़ा जलने की वजह से आग की लंबी लंबी लपटें उठने लगी। साथ ही धुएं के गुब्बारों से आसपास के घरों में भी लोग बेचैन उठ रहे। हालांकि दो दमकल ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।